संकारी ऋषि आगे कहते हैं कि नारद जी, आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम आगे आपको बतलाते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा की महिमा आखिर क्या है। इसके लिए हम आपको एक प्राचीन काल की कथा सुनाते हैं, इसे गौर से सुनिए। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा था। वहां पर सभी वेदों का, शास्त्रों का एक विशेषज्ञ रहता था, एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। अब सभी लोगों की तरह आत्मदेव का भी एक परिवार था। परिवार में वह अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। उसके पत्नी वैसे तो दिखने में सुंदर थी, लेकिन उसका स्वभाव बड़ा ही कुटिल, बहुत ही क्रूर था। वो कुछ ना कुछ हमेशा खुराफात किया करती। लोगों की बातें करने में, लोगों की निंदा करने में उसे न जाने क्या सुख मिलता था। घर का काम करने में तो वह निपुण थी, लेकिन थी झगड़ालू। इस प्रकार वो ब्राह्मण दंपति अपना जीवन निर्वाह करते। वैसे तो वे काफी धनी थी। उनके पास अर्थ विलास इन सभी की बहुत सी सामग्री उपलब्ध थी। घर द्वार भी सुंदर था, लेकिन फिर भी उन्हें सुख ना था। क्यों? क्योंकि उनके अब तक कोई संतान नहीं थी। जब उम्र बहुत ढलने लगी, पहले तो उन्होंने प्रतीक्षा की, लेकिन जैसे जैसे उम्र उनकी ढलने लगी, उन्हें चिंता हुई। तो शास्त्रों का सहारा लेते हुए उन्होंने बहुत से धार्मिक अनुष्ठान किए। तीन दुखियों में कभी सोना दान किया, कभी पृथ्वी दान की, कभी भूमि दान की, कभी उन्होंने गौ दान की, कभी वस्त्र आदि गरीबों में बांटे। लेकिन इस सब के बाद उन्हें ना तो कोई पुत्र और ना ही कोई पुत्री का मुख दिखने लगा। इस प्रकार धर्म के मार्ग पर चलते चलते उनकी आधी संपत्ति नष्ट हो गई। अब जब उसके बाद भी उन्हें कोई संतान न हुई, तो वह जो आत्मदेव जो ब्राह्मण था, वह बड़ा ही चिंता में होने लगा। धीरे धीरे उसे डिप्रेशन होने लगा। एक दिन उसी चिंता, उसी डिप्रेशन के कारण वो वन की ओर चल गया। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, क्या आप अपने मंदिर, अपने शहर, अपने गांव में या अपने देश में गुरु मारुकमणि जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा का आयोजन करवाना चाहते हैं? तो आप हमारी वेबसाइट www.shanidev.us पर जाकर या 01145051710 पर श्रीमद् भागवत कथा की एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं। क्या आप सभी धन की कमी को लेकर परेशान हैं? मैं शनि मंदिर राजेंद्र प्लेस नई दिल्ली से गुरु रजनीश ऋषि लेता हूं गारंटी, आपकी धन संबंधित समस्त परेशानियों को दूर भगाने की और मां महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर बरसाने की। 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर राजेंद्रा प्लेस नई दिल्ली वाले गुरु रजनीश ऋषि से अब आप भी उनके ईस्ट पटेल नगर दिल्ली स्थित ऑफिस में मिल सकते हैं, अथवा आप गुरु जी को हमारे शनि मंदिर की विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट www.shanidev.us पर जाकर अपनी सभी परेशानियां लिखकर